आणि मोहन अण्णा यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभसे मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी आपण प्रदान करावी. वय वर्ष फक्त 14 आणि या 14 वर्षाच्या खेळाडूने सगळ्यांना इम्प्रेस केलं. एकदा जोरदार टाळा झाला माझ्या मित्रांनो. वय हा फक्त आकडा असतो आणि ते दाखवणारा हा चंदन आणि या चंदनला आज संपूर्ण टीम वंदन करेल. मॅन ऑफ द मॅच मिस्टर चंदन ठरलाय. वेल प्लेड चंदन. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम रुद्र महाफे. हॅलो. चला, 4 ओव्हरची मॅच आहे. यशमृती ऐरोली टीम प्लीज लगेचच आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा. आणि चंदन वय वर्ष 14 मोहन अण्णांचे शुभेच्छा दिला जाईल. मॅन ऑफ द मॅच वेल प्लेड चंदन आणि कॉंग्रॅच्युलेशन टीम रुद्र महाफे टीम. आलेल्या सर्वांचं सरसे स्वागत आहे. रुद्धी सिद्धी चषक 2024 या क्रिकेटच्या सोहळ्यामध्ये आलेल्या सर्वच प्रेक्षकांचं खेळाडूंचं आणि अतिथी मान्यवरांचं सरसे स्वागत आहे. हॅलो हॅलो हॅलो. आता बरोबर आहे. हॅलो हॅलो. तर मॅच आपल्या समोर राहिली रंगली जाते. आपण पाहू शकाल एकीकडे यश स्मृती ऐरोली त्यांच्या विरोधामध्ये वेदांत 11 सीहूट 48 करावे. हे दोन संघ मैदानामध्ये रंगत असताना 4 ओव्हरची मॅच. दोन्ही टीमचे 12th मॅन आमच्या कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये येतील याची नोंद घ्या. सीहूट टीमचा आणि ऐरोली टीमचा आमचा 12th मॅन आमच्या कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये आहे. स्कोरच्या भूमिकेमध्ये सिक्कू आपण पाहू शकाल. GTCच्या माध्यमातून आपण लाईव्ह टेलिकास्ट पाहू शकाल. आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. चला सामना स्पीडअप करा. बॅटिंग साठी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. ऐरोली गावचा वंडर बॉय मिस्टर जयेश पाटील फलंदाजीसाठी स्ट्राईक एंड वर पाहायला मिळतोय आणि त्यांच्या समवेत मनोज चव्हाण हा फलंदाज देखील पाहायला मिळतोय. पहिले षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज येतोय. विशाल डोळस हा गोलंदाज जर पाहिले तर 48 करावे टीमचा ज्या टीमला ज्यावेळेस नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये ओळख मिळाली त्यावेळेचा एक प्रमुख गोलंदाज विशाल डोळस हा गोलंदाज येतोय. माजी नगरसेवक देखील होते आणि नगरसेवक असताना देखील विशाल डोळस यांनी क्रिकेट पासून आपली नाळ अजून जुडली आहे आणि आज आपल्या टीमसाठी आलाय. विशाल डोळस गोलंदाजी ट्रॅकवर पहिला बॉल अगदी शरीराचा वेध घेतलाय. स्ट्रॉंग अपील केली आहे. अंपायरने इंटरेस्ट दाखवला नाहीये. डॉट बॉलची सांगता होतीये. विशाल डोळस या गोलंदाजाची जर शैली आपण पाहिली तर त्या गोलंदाजाला रीड करणं थोडंसं कठीण जातोय. एक वेगळ्या ऍक्शन एक वेगळ्या धाटणीचा गोलंदाज आहे. त्यामुळेच हे षटक देखील इम्पॉर्टंट असेल. जयेश पाटील जो एक विस्फोटक फलंदाज आक्रमक फलंदाज आणि इनफॉर्म फलंदाज म्हणून जाणला जातोय. स्वेच एट फटका पाहू शकाल. JP च्या बॅट मधून येतोय मोठा फटका. चेंडू घोषांकित क्षेत्रामध्ये जाईल मात्र सिंगल मिळते. तर आदरणीय आदेश आगासकर कुपरखेडे आणि सूरज पाटील गोट्टीवली आपल्याला दोघांनाही विनंती करतोय की कृपया आपण मुख्य व्यासपीठावर स्थान बनवा. सूरज पाटील गोट्टीवली आणि आदेश आगासकर आपल्याला विनंती करतोय की आपण मंचावर या. आदेश आगासकर म्हणजेच कुपरखेडे प्रीमियर लीग मागच्या काही वर्षापूर्वी त्यांच्याच माध्यमातून आयोजक पाहायला मिळतोय. यावेळेस जयेश पाटीलच्या बॅट मधून पहिला मोठा फटका येतोय. चेंडू सीमा रेषा पार चौकार. सूरज पाटील
आणि त्याचबरोबर आदेश आगासकर यांचं आगमन झालं, त्यांचं देखील सरसे स्वागत आहे. रिद्धी सिद्धी चषक 2024 या क्रिकेटच्या सोहळ्यामध्ये आलेल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजता यार विशाल डोळस स्विच इट करण्याचा प्रयत्न केला होता, टायमिंग होऊ शकला नाही, अगोदर शपल झाला होता, बॉल काहीसा उशीर आला, त्यामुळेच बॉल आणि बॅट मध्ये कनेक्शन इतकं चांगलं नव्हते. सिरी पॉइंट रिजन मध्ये चेंडू जाईल, तोपर्यंत डॉट बॉलची सांगता होतीये. एक चांगला फटका आला पण विशाल डोळसने चांगलं षटक हाताळलं. चार बॉल तीन बॉलचा खेळ संपलाय, चार बॉल संपले. यावेळी देखील स्विच इट करण्याचा प्रयत्न केला होता, प्रयत्न केलाय, गॅप मध्ये आहे, चेंडू थांबणार नाही, चेंडू होईल फरार, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. क्रमांक दुसरं हाताळण्यासाठी येतोय महेंद्र प्रताप सिंग, म्हणजेच टेनिस बॉल क्रिकेटचा प्रिन्स गोलंदाजी ट्रॅकवर आलाय. अनेक कारनामे आहेत, अनेक वर्ष क्रिकेटची सेवा करणारा 48 करावे टीमला ज्या खेळाडूने सुवर्ण दिवस दाखवून दिले तो खेळाडू म्हणजेच प्रिन्स गोलंदाजी ट्रॅकवर. डावखुऱ्या गोलंदाजाच्या यादीमध्ये हा गोलंदाजाचा देखील अव्वल स्थान आहे. पहिला बॉल ड्रॉ खोल पद्धतीचा ऑन साइड ला ऑन ड्राय केलाय, दूरवरून क्षेत्ररक्षक येईल आपण पाहू शकाल. अक्षय मुसळे कॅप्टन आहे, अगदी यंगस्टर असताना या टीम मध्ये आला होता, 12वा 13वा खेळाडू म्हणून अनेक वर्ष अगदी डगआउट मध्ये बसून स्कोररच्या आणि समालोचकाच्या बाजूला बसून स्पर्धा पाहायचा. यावेळी स्टार्ट हा पंपोल फटका फसला आहे, चेंडू आहे, नो मॅन स्लॅन्ड चे चेंडू जाईल, एक धाव कम्प्लीट झाली, दुसरी धाव घेण्याचा मानस दाखवला होता मनोजने पण परत पाठवलंय. एक धाव मिळते, एका धावाला टीमची धाव संख्या 11 या आकड्यावर. महेंद्र प्रताप सिंग एक अनुभवी गोलंदाज आहे, ऑन दी अप खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. उसळी घेणारा चेंडू पाहू शकाल, 1 for the over असा इशारा अंपायर देत असताना सिंगल मात्र मिळते, सिंगलने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 12 आकड्यावर. 12 धावा धावा कराव्या लागतील, कारण की मागच्या मॅच मध्ये वेदांत 11 सीवीट 48 करावे टीमने ज्या पद्धतीने धमाका दाखवला ना, इथे धावा 40 प्लस कराव्या लागतील. अखू टप्प्याचा बॉल, टॉप एज लागलाय, चेंडू मिड विकेट रिजन मध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे अनिल भाईने खूप चांगला झेल आणि पहिला धक्का लागतोय टीम यश स्मृती ऐरुली संघाला. फलंदाज आपण पाहू शकाल मनोज चव्हाण बॅक टू द डग.
राहिला त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये अभिषेक अभि जोशी फलंदाजीसाठी आलाय. मनोज नंतर फलंदाज अनिकेत परतला. दोन लगातारचे धक्के आतापर्यंत पाहायला मिळाला. महेंद्र प्रताप सिंगच्या माध्यमातून प्रिन्सच्या माध्यमातून दोन गडी बाद टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचलीय 12 याकडे. बरं 12 धावा धावफलकर लागले. धावसंख्या थांबलीये. धावसंख्या कुठेतरी स्टॉप झालीय. पहिल्या षटकामध्ये 9, त्यानंतर मात्र महेंद्र प्रताप सिंग गोलंदाजीला आणि पहिल्या 3 बॉलमध्ये 3 सिंगल खर्च केले. त्यानंतर जे 2 धक्के आहे गोलंदाजी. म्हणूनच व्यावसायिक संघामध्ये किंवा अनेक वर्षाचा अनुभव असणारा हा खेळाडू अनेक स्पर्धा गाजवत असताना आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतोय. आज रिद्धी सिद्धी चषकाच्या या इम्पॉर्टंट मॅच मध्ये इम्पॉर्टंट रोल आपला दाखवत असताना षट क्रमांक 2 धावपळीचं रिस्ट्रिक्शन संपलाय. शेवटचा बॉल नवीन फलंदाज अभि जोशी फलंदाजीसाठी आलाय. पहिला बॉल अगदी चकून गेलाय. बॅटची एज चिडू जातोय. घोषांकित क्षेत्रामध्ये सिंगल मिळते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर दुसरा षटक देखील संपला गेले आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 13 याकड्यावर. 13 धावा धावफल करावे लागलेत आणि मागच्या षटकामध्ये प्रिन्सने फक्त 4 धावा आणि 2 शिकार करण्यात तो यशस्वी देखील झालाय. चांगली गोलंदाजी. 2 षटकाचा खेळ संपलाय. 14 धावा 2 गडी बाद. कुठेतरी कमी स्पर्धेमध्ये खेळत असताना दिसली. त्यानंतर पुन्हा एकदा रिद्धी सिद्धी चषकामध्ये आपल्याला हा संघ पाहायला मिळतोय आणि या स्पर्धेमध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स करतोय. जयेश पाटीलला आता आक्रमकता धारण करावी लागेल. जो त्याचा प्रमुख अस्त्र आहे अस्त्राचा वापर करावा लागेल. पहिलाच बॉल जसा आवाज कॉमेंटेटरचा जयेश पाटीलच्या खानावर गेला त्यानंतर मात्र सांगितलं यस कॉमेंटेटर हा माझ्या बॅट मधून आलेला प्रहार चेंडू सी मारीच्या पार षट.
त्यावर अंमलबजावणी केली जाईल. चला अंपायर प्लीज डिसिजन द्या, हा षटकार सेव झालाय का नाही यासाठी आपण चर्चा केली जाते. आणि दोन्ही अंपायर अगदी क्वालिफाय आहे. योगेश भोईर, योगेश भोईर थर्ड अंपायर, आणि थर्ड अंपायरच्या मागणी केली जाते. आणि थर्ड अंपायर प्लीज या, उदय तांडेल सर. येस, अंपायरच्या भूमिकेत आपण योगेश भोईरला पाहू शकाल, नितीन भोईर देखील जॉईंट होतील, दीपक ठाकूर हे देखील जॉईंट होतील या संपूर्ण सिच्युएशन पाहत असताना. हा बॉल कशा पद्धतीने उडी मारली आहे, लाईनला ब्रश केले की नाही, की त्याआधी उडी मारून हा सेव्ह केलाय, ह्यासाठी पाहणी केली जाते. अगदी दोन्ही टीमला थोडस टेन्शन, आणि जर हे सेव्ह झालं तर नक्कीच दोन धावा मिळतील, आणि हा जर षटकार आला तर सहा धावा ऐरोली टीमला मिळतील. जम्प आहे ना दादा, ऐक ना, आजकाल तर बाहेर जाऊन पण जम्प. हा हा बरोबर आहे, पण पहिला आयटम आत करायचा बॉलला. तुम्हाला मी सांगतो रूल काय आहे, ही बाउंड्री आहे ना, तुम्ही पहिला आतून आयटम झाला ना, फर्स्ट आयटम आतून करायचा, मग बाहेर बॉल गेला ना, नंतर तिकडे उडी मारून तुम्ही आयटम सात विकेट जाऊन लाय. चला आपण डिसिजन देणार आहोत, आणि अंपायर आणि थर्ड अंपायरचा कॉल आलाय की यस यस षटकार आहे. चला मॅच सुरू करा. थँक्यू व्हेरी मच वेदांत 1148 करावे सीवूड टीम, खूप चांगली स्पोर्ट्समनशिप दाखवली, या निर्णयाचा तुम्ही देखील सन्मान केला त्याबद्दल रिद्धी सिद्धी कोपरी टीमच्या वतीने आपलाच देखील मनपूर्वक आभार आहे. बघा, डिसिजन कोणाच्या तरी बाजूने लागतात, कोणाच्या तरी विरोधात लागतात, त्यामुळेच थर्ड अंपायर ज्यावेळेस ऍक्शन रिप्ले पाहिलं गेलं आयोजकांच्या वतीने, त्यावेळेस पाहिलं गेलं की इंटरनॅशनल रूल आहे की तुम्ही लाईन वरून जर उडी मारताय तर तो षटकार घोषित केला जातोय, त्यामुळेच कुठेतरी सीमा उल्लंघन केला गेला. बॉल सोडून दिलाय, प्रेशर मध्ये गोलंदाज असेल, व्हाइट बॉलचा इशारा, दोन षटकार आतापर्यंत जेपीच्या बॅट मधून पाहायला मिळाले. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 27 आकड्यावर, धावसंख्या आकार येत असताना, धावसंख्या वाढत असताना, धावसंख्येचा वेग येथे जयेश पाटीलने वाढवलाय. जयेश पाटील दोन षटकार लगवलेत, उदे आणखी एक मोठा फटका. आपण पुन्हा एकदा प्रिन्सला पाहू शकाल, वेगवान फेकी गेली जाते, एकच धाव मिळते, ऑफस्टंपर मारा ठेवला गेलाय गोलंदाज यश. थोडासा खर्चिक, थोडासा एक्सपेन्सिव्ह ओव्हर हाताळतोय. अजूनही जर पाहिलं तर या षटकातील तीन बॉल शिल्लक आहेत, षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ असताना. बोलरलेनचा चेंडू ऑन साइडला, मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकाल, एकच धाव. अनिल भाई बॉल पकडतील, फेकतील, तोपर्यंत सिंगल मिळते, सिंगलने टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली
एकोणतीसच्या आकड्यावर 29 धावा धावफलकावर लागलेत. ज्या धावा कुठेतरी थांबल्या होत्या, त्या धावा कुठेतरी रुसल्या होत्या. आता मात्र धावा येत असताना पाहायला मिळतील. चेंडूने टर्न घेतलाय, चेंडू जातोय घोषांकित क्षेत्रामध्ये, सिंगल मिळते. चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल यश सर. पहिल्या दोन बॉलमध्ये 12 धावा खर्च केल्या होत्या, पण त्यानंतर सिंगलचा खेळ पाहायला मिळाला. अतिशय देखणी स्पर्धा. रिद्धी सिद्धी चषक या स्पर्धेचा खऱ्या अर्थानं उल्लेख नेहमी केला जातोय आणि याचा प्रमुख आयोजक योगेश भोईर, नितीन भोईर आणि संपूर्ण रिद्धी सिद्धी चषकाचे आयोजक यांचं कौतुक करावं लागेल. इथे खराब चेंडू पाहायला मिळते, खराब क्रिकेट. यशने चूक केली, व्हाइट प्लस 1-1 गेट 1 फ्री अशा दोन धावा मिळतील. दोन धावांना टीमची धावसंख्या 32 या आकड्यावर. तमाम प्रेक्षकांच्या नजरा या मॅच कडे. ही संपूर्ण स्पर्धा 3 दिवस रंगणार आहे. 24 संघांचा सहभाग, लाईव्ह लॉट्स पाडले गेलेत. कुठलीही पार्शियलिटी नाही, कुठल्याही टीमला कुठलाही दिवस असा राखीव दिला नाही. लाईव्ह 24 शिट्ट्या पाडल्या गेल्या. इथे फटका पाहू शकाल. स्टॅन अँड डिलिव्हर्ड. ऐरोली गावच्या वंडर बॉय जेपीच्या बॅट मधून आला आणखीन एक मोठा फटका. चेंडू सीमा रेषा पार. शॉट. संख्या जाऊन बल मागच्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या. 24 धावा खर्च केल्या. शेवटचं षटक आहे आणि शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज आलाय. ऋतिक वेगवान गोलंदाज आहे. ऋतिकने मागच्या 2 वर्षांमध्ये इम्प्रेस केलाय. आता मात्र स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये अभिज जोशी आणि जयेश पाटील सारख्या खतरनाक बॅट्समन समोर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. 38 धावा धावफलकावर लागलेत. फुलबॉल टप्प्याचा चेंडू, खूप चांगला चेंडू पाहायला मिळते. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. सिंगल मिळते. शॉर्ट मिड विकेट रिजन मध्ये एक आनंद भाई आपल्याला पाहायला मिळते. एक धावाना टीमची धावसंख्या 39 या आकड्यावर. जयेश पाटील एक हाती झुंज देतोय. टीम संकटामध्ये होती, टीम अडचणीमध्ये होती. जिथे परिस्थिती बिकट तिथे मात्र जयेश पाटील तिखट. या मॅच मध्ये तेच पाहायला मिळतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली जाते, दुसरी धाव देखील तितक्याच वेगाने पूर्ण केली जाते. चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट. लाजवाब क्रिकेट. जयेश पाटील हे नाव ऐरोली गावाच्या क्रिकेट मधलं एक अव्वल नाव म्हणून गणलं जातोय. या खेळाडूने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये अनेक स्पर्धा गाजवल्या, अनेक संकटाच्या वेळी संकट मोचकच्या भूमिकेमध्ये फसलेली मॅच काढून दिली. इतकी क्षमता आणि हसून भरलेली एक क्रिकेटची नजाकत. फुलबॉल टप्प्याचा चेंडू आपण पाहू शकाल. बाउन्सर चेंडू पाहायला मिळते. अंपायर आमच्या दिशेने वळलेत. गुरुनाथ पाटील अंपायरचा इशारा. व्हाइट बॉल. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 42 ऑन अ स्कोर बोर्ड. लगातारचे 2 धक्के लागले होते. चांगली गोलंदाजी प्रिन्सने केली, त्याचबरोबर विशाल डोळसने देखील खूप चांगलं षटक हाताळलं. यश खर्चिक ठरला. आता ऋतिक या शेवटच्या षटकामध्ये. यावेळी फटका पाहू शकाल. कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे यश भिसे. चूक केली होती गोलंदाजी करत असताना, आता झेल घेत असताना चूक करणार नाही. गोलंदाज जयेश पाटीलचा खेळ खतम. धक्का क्रमांक 3 लागतोय आपल्या टीम साठी. तब्बल 32 धावांचा योगदान करून जयेश पाटील ऐरोली गावचा वंडर बॉय परतलाय फलंदाज बाद.
अख्खे बाकी आहे टीमची धावसंख्या जाऊन पोचतीये 42 आकड्यावर. 42 धावा धावफलकावर लागलेत. नवीन बॅटर कुणाल जोशी, बंटी जोशी. बंटी जोशी हा स्लॉग ओव्हरचा एक बेहतरीन खेळाडू आहे. बंटी जोशी ज्या ज्या वेळेस टीमला गरज असते, ज्या ज्या वेळेस शेवटच्या षटकामध्ये आक्रमण करण्यासाठी हा स्पेशलिस्ट बॅट्समन आहे. 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे. बंटी जोशी स्ट्राइक एंडवर आहे. ऋतिक गुलंदाजी ट्रॅकवर आलाय. पहिलाच बॉल बाउन्सर पद्धतीचा चेंडू, स्पायसी बाउन्सर. एक धाव मिळतीये, एका धावाने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 43 बरोबर ना, 43 धावा. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. बॅटिंग करत असताना यश स्मृती ऐरुली टीम. सुरुवात खडतर झाली होती. 2 षटकामध्ये धावा जर पाहिल्या तर फक्त 13 धावा होत्या. त्यानंतर तिसऱ्या षटकामध्ये यशने तब्बल 25 धावा खर्च केल्या. आणि या षटकामध्ये देखील पण जर पाहिलं तर चांगलं कमबॅक करत असताना ऋतिक 5 धावा खर्च केल्या 4 बॉलमध्ये. षटक क्रमांक अखेरचं 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. बंटी कडून भरपूर अपेक्षा असतील यश स्मृती ऐरुली टीमला आणि ते करावं लागेल. गोलवा टप्प्याचा जज चेंडू, खूप चांगला बॉल, लाजवाब गोलंदाजी इन टू द ब्लॉक होल. ऋतिक इम्प्रेस केलाय. मगाशीच मी उल्लेख केला होता, मागच्या 2-3 वर्षापासून या ऋतिकने इम्प्रेस केलाय. यंगस्टार खेळाडू आहे, वेगवान गोलंदाजी हाताळतोय. आणि प्रिन्स सारखा गोलंदाज असेल किंवा विशाल डोळस सारखा गोलंदाज असेल, या दोन्ही अनुभवी गोलंदाजाच्या तालमीमध्ये हा गोलंदाज तयार झालाय. शिव टीमचा येणाऱ्या कालावधीमधला लीडिंग गोलंदाज म्हणून म्हटला जाईल. यावेळी ऑन साइडला फटका पाहू शकाल. क्षेत्ररक्षक आहे वेगाने अक्षय मुसळे, येईल तोपर्यंत फक्त सिंगल मिळते. अशा तऱ्हेने 4 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धाव संख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 44 आकड्यावर. 45 धावा धावफलकावर लागलेत. म्हणजे 45 धावांचं टार्गेट उभं केलंय. आकाश पाटील साहेबांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील सरसर स्वागत आहे.
हो आज आमच्यासाठी खास दिवस आहे, कारण की आज मच्छिंद्रचा वाढदिवस होता. ते काही कालाने तो घाल घातला आणि मच्छिंद्र नाईक आपल्यापासून दूर निघून गेला. तर आज आम्ही सर त्याला एक सरप्राईज गिफ्ट म्हणून आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच सचिन दादा. आज काफी आज जिस टीम आपकी बात करें पूरे महाराष्ट्र में टीम चर्चित टीम है, उस टीम के एक मुख्य खिलाड़ी आज हमारे बीच में है, लेकिन में जाने की प्रवेश करेंगे टीम स्मृति बारह मेट्री. चलते मौजूद आज की तरफ कमेंट्री बॉक्स की तरफ. विकी पठारे वॉइस ऑफ एरोली हाउ आर यू. सीबी पाटिल साहब, साथ ही साथ विकास जी पाटिल साहब हमारे 40 प्लस के एक सर्वश्रेष्ठ बॉलर, ऐसे बॉलर के कहीं ना कहीं कई बल्लेबाजों के लिए अब तक इनको फेस करना, इनको रीड करना अब तक काफी मुश्किल रहा है. उमाकांत पाटिल खिलाड़ी हमारे क्रिकेट की बात की जाए तो प्रकाश पाटिल कैच कहा चुनने वाले एक बार फिर मैच खिलाड़ी आनंद बालाजी पहली बॉल पर शिकार बने हरिओम के. हम की चर्चा कर रहे थे, हम चीकू से बातचीत कर रहे, चीकू कितना टारगेट बताएंगे, चीकू हमें 45 हमारे कोपरी गाँव के उद्घोषक, साथ ही साथ हमारे परम मित्र कोपरी गांव के प्रथम कमेंटेटर हमारे नवी मुंबई में पांडुरंग जी खिला रहे पीके वेल फेमस लाइनर आप सभी को याद होगा जिनके माध्यम से इन्वेंट किया गया तू चल मैं आया. पूरे नवी मुंबई में अगर ये लाइन किसी ने इन्वेंट किया है वो है हमारे पांडुरंग जी खिला रहे पीके. वेलकम पीके. पहली बॉल पर विकेट मिल गई है, जो विकेट चाहिए था यहाँ पर एरोली कुलीवाड़ा यानी यश स्मृति एरोली कुलीवाड़ा टीम को. हरिओम पिछले मैच में जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, अब बैटिंग करने आए यहाँ पर चेतन चिलिया. अरे राजेश भाई कैसे हो भाई. संकेत जी पाटिल और राजेश चौहान इनकी तरफ से ये कैच पकड़ा गया. संकेत जी पाटिल और हमारे राजेश चौहान जो एरोली के कमेंटेटर हमारे परम मित्र उनके तरफ से हितेश के लिए अनाउंसमेंट किया जाएगा जब बॉलिंग मार्क पर आएंगे. वो अच्छी बॉल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भाई. ये कोपरी का मैदान है, केप टाउन का मैदान है, इतना उछाल विकेट से देखने को मिलता हुआ एक्स्ट्रा बाउंस. हरिओम जब हरिओम के एक्शन देखिए ना, तो जब बॉल रिलीज करते
स्ट्रेच करते हैं और इनका जो आर्म है यानी जो कह सकते हैं कि अंधा है काफी तेज लाते जिसकी वजह से पेस जनरेट होता है इनकी गेंदबाजी में। देखिए एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था ये ओ शॉट अच्छा ऑन दी अब खेलेगा प्रयास कैच ओ माय गॉड व्हाट अ कैच सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ कैच। यस डीजे डीजे पर ब्रेक लाया भाई लास्ट जवाब क्या है तेजस चौहान द्वारा लॉन्ग ऑफ एरिया में चेतन का विकेट गिरा और एक चिंता पूरे डगआउट में जिस आपसे शुरुआत जैसी चाहिए थी वैसी शुरुआत नहीं मिली यहां पर वेदांत 11 सी 48 की टीम को 45 का पीछा करने उतरे आनंद बालाजी का पहले विकेट गिरा उसके बाद एक और टेंशन चेतन आउट व्हाट अ मैच। यश स्मृति एरोली कुलीवाड़ा वर्सेस मुकाबला चलता हुआ वेदांत 11 सी 48 अब मैदान के अंदर मनविंदर प्रताप सिंह लॉकडाउन में जिनका हमने शप में बातचीत की थी जिनसे पूरे जिनके जीवन करियर की हम चर्चा लेदर क्रिकेट खेल चुके रांची में जाकर झारखंड में जाकर जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के कहीं ना कहीं कैंप में नेट में समय बिताए ऐसे खिलाड़ी मनविंदर प्रताप सिंह क्वींस मैदान के अंदर आज निश्चित तौर पर क्रिकेट से ज्यादा दूर रहते क्योंकि पहला प्रेफरेंस हर कोई देता है हमारे सैंडी सर विघ्नेश सर हमेशा कहते हैं पहला प्रेफरेंस आपका जॉब होना चाहिए काम होना चाहिए साइड बाय साइड आप क्रिकेट खेलिए। जब आप क्रिकेट में 100% आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऊपर पूरा क्रिकेट खेलकर मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ तब आप वो बड़ा डिसीजन लीजिए जॉब को साइड में रखने का। हरिओम अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश इंपैक्ट भी देखने लायक होगा क्या पिचिंग इन लाइन हुई थी यानी विनोद जी भगत हमारे अंपायर लेग बाई का इशारा करते हुए स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। उतल फुतल वाला ओवर था जिसमें विकेट भी गिरा है और कहीं ना कहीं हलबली मची है फिलहाल सीउट के डगआउट में क्योंकि विकेट्स की बात करें दो विकेट गिर गया दो बड़े विकेट गिरे जिनसे काफी उम्मीद थी स्पेशली आनंद बालाजी जिन्होंने पिछले मैच में 360 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी बोनकोड़े टीम के खिलाफ। बॉलिंग मार्क पर हरिओम एक बार फिर तैयार होते हुए आज इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की है रफ्तार में कई बल्लेबाजों को गिरफ्तार किया है इनकी गति अब तक दुर्गति हुई है बल्लेबाजों के लिए। लाउड अपील एक बार फिर जोरदार अपील। अरे भाई इतना अपील तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मारेगा। बाला को देखिए हमारे सुरगत मड़वी बाला इन्होंने यहाँ पर पूरी टीम को उठाया है टीम को जोश की उठाया है टीम के उमंग को उठाया है भले टारगेट यहाँ पर 44 रन टीम ने बनाया है लेकिन यस टीम को जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया है सूर्यकांत मड़वी बाला ने काप लिया तारीफ। अगर कैच पकड़ते बाला तो सचिन नाइक और योगेश भोई की तरफ से 500 कैश प्राइस। शॉट ये कड़क है मिड ऑन के बगल से गेंद गैप पे जाता हुआ जयेश पाटिल वंडर बॉय जेपी वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे भिवंडी के जेपी और नवी मुंबई के जेपी हमारे जेपी भी किसी से कम नहीं है। स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है दो पर ओवर की हो चुकी है समाप्ति एक सफल ओवर एक लास्ट जवाब ओवर। पहले ओवर में बैकफुट पे ला खड़ा किया है सीवुड की टीम को यहाँ पर यश स्मृति हैरोली कुलीवाला टीम आज स्वर्गीय यश जोशी नहीं हमारे बीच उनके स्मरणार्थ ये टीम आप देख सकते हैं मैदान उतरी है उनके नाम के साथ उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। मंच पर हमारे तमाम अतिथि मैच का लुत्फ उठाते हुए माननीय आरसीजी पाटिल साहब जिनके माध्यम से टॉस किया गया अगले मैच के निर्णायक मुकाबले का जो रूथ 11 मापे वर्सेज मचिंद्र स्मृति धारावे वन टीम वन ड्रीम यस आयांश 11 इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। फोर द विकेट बाला बड़ा शॉट ये बड़ा शॉट है फ्लैट है विनोद कोटिया इन एक्शन विंटेज विनोद कोटिया एक बार फिर फॉर्म में नजर आते हुए पिछले मैच में दमदार बैटिंग की थी पिछले अगले मैच में आप देखते आयांश 11 मचिंद्र स्मृति धारावे टीम उतरेगी यानी हर बार जिस टीम को पैक किया जाता है हमारे नवी मुंबई के क्रिकेट के प्रचंड प्रेमी और जिनकी टीम खासतौर पर NMPL में खेलती है वाशी इंडियंस यानी हमारे संजय जी चोगले साहब और नंद जी बोर के माध्यम से टीम पैक किया जाता है यानी आराध्य 11 मचिंद्र स्मृति धारावे। अद्भुत ये बॉल सीधे खोपरी गांव में लैंड हुआ है विनोद कोटिया के बाद से दो बड़े हिट सुपर हिट
मुकाबला टाइट है, दोनों टीमों के बीच चलती हुई कड़ी फाइट है। स्कोर फ्लाइंग लेते हुए उछाल भरता हुआ 14 पर पहुंचा है। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन थे, लाजवाब गेंदबाजी की हरिओम ने, लेकिन बाला की कहीं ना कहीं पेस और लाइन लेंथ को रीड कर लिया है पूरी तरह विनोद कोटिया ने। क्या गेंदबाजी करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले 4 गेंदों में बाला भी कुछ कमाल करने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं कि बाला ने 15 से 20 वर्ष क्रिकेट में नहीं दिया एरोली क्रिकेट गांव को। और निश्चित तौर पर नगर सेवक ट्रॉफी कुक्षेत्र के मैदान पे बेस्ट बॉलर का खिताब 2023 के रबर बॉल टूर्नामेंट में उन्होंने जीता था। यही मैं चर्चा कर रहा था, ये बाला है सूर्यकांत मड़वी, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम, प्रसिद्ध नाम। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने वापसी कर दी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। 2 गेंदे जरूर कहीं ना कहीं खराब डाल बैठे, बिल्कुल स्लॉट में गेंद था विनोद कोटिया के, लेकिन अच्छी वापसी। ये पुल शॉट, क्या ये मैच हो रहा है! और इस बार फील्डर और गेंदबाज का जो मैच हुआ है लाजवाब, सही ठिकाने पे बाला ने फील्डर तैनात किया था। और ये बड़ी विकेट है जनाब, ये विनोद कोटिया का विकेट, मोस्ट वैल्यूबल विकेट, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट इस मैच का। विनोद कोटिया जिनसे काफी उम्मीद थी, अच्छा खेल भी रहे थे, ऑलरेडी इस ओवर में रन आ चुके थे, लेकिन वही गलती यहां पर कर बैठे। लॉन्ग ऑन पर कैच पकड़ा गया और विनोद कोटिया आप डगआउट के बाहर निकलते हुए कहेंगे गलती से मिस्टेक हो गया। यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, टोटल स्कोर आपको बताएंगे 14-14 के स्कोर पर एक और झटका लगा है और बड़ा विकेट मैं कहूंगा विनोद कोटिया जैसे बड़े खिलाड़ी यहाँ पर। विनोद कोटिया अनफॉर्चुनेटली आउट होते हुए बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर खेलने लगा, अगर मिडल ऑफ द बैट होगा तो ये भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट सिक्सर था बिल्कुल रॉकेट की तरह। अक्षय भोसले भाई है, रन मशीन, एसपीएल सीयूट प्रीमियर लीग में जिनके माध्यम से दमदार बैटिंग रहती है। यश मोरे जरूर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनसे काफी उम्मीद इस मुकाबले में। स्कोर 14 रन हो चुका है, टारगेट 45 का है, यानी 31 रन चाहिए यहां से। 31 नजाकत तरीके से कट कर दिया है, लेट कट जिसे कहते हैं। गेंद जीता हुआ यहाँ पर गली और थर्ड मैन की तरफ जहां पर डिक्लेयर जोन है, ये भी अच्छा है। सिंगल डबल देखिए, इसलिए कहते हैं मुंबई की लाइफलाइन लोकल और क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल डबल, ये जब चलता है ना तो सभी की समस्या दूर होती है, चाहे क्रिकेट हो चाहे किसी भी कामगार इंसान की अगर बात की जाए तो मुंबई में, मुंबई कर में जो रहता है। ओवर द विकेट, ओ बैटिंग स्ट्रोक, स्लॉप किया है हवा में बॉल, बंटी, कुणाल जोशी वहां पर खड़े थे और देखिए क्या हुआ वहां पर, जहां पे कैच पकड़ा जाना चाहिए था ये ड्रॉप हुआ कैच, मुश्किल कैच, पीछे की तरफ दौड़कर कैच पकड़ना इतना आसान होता नहीं है। कोशिश अच्छी वहां पर बंटी जोशी की। स्कोर की तरफ आपको लेकर जाएंगे, 2 ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका है, 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 17 रन। देखिए बाला की शुरुआती 2 गेंदों में 2 सिक्स आया था, लेकिन उसके बाद बाला ने 5 ही रन दिया है 4 गेंदों में, कहीं ना कहीं वापसी की है एरोली कोलीवाला यानी यश स्मृति एरोली कोलीवाला टीम ने। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है, देख सकते हैं स्कोर कार्ड में 17-17 रन, यानी जीतने के लिए 12 बॉल में अब रन बनाने हैं 28, 12 गेंद 28 रन, मैच अभी भी ऑन है, हिलना मत, बैठे रहिए हमारे साथ। रिद्धि सिद्धि चषक 2024 13वां वर्ष, नितिन मनोहर जी बोईर और योगेश मनोहर जी बोईर आयोजित प्रतियोगिता। डीजे एक सॉन्ग हो जाए छोटा सा, मनोज चौहान इनके लिए यहाँ पर इनामी राशि, हैट्रिक कंप्लीट करते हैं तो राहुल स्मृति एरोली क्रिकेट संघ की तरफ से यहाँ पर 1000 पुरस्कार। 12 गेंदे जीतने के लिए 28 की आवश्यकता, जब तक प्रिंस है मैं कहूंगा, जब तक अक्षय है सीयू टीम कैरी ऑल इज वेल।
सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये दो ऐसे खिलाड़ी है मैच का नक्शा कभी भी पलट सकते हैं, मैच का रंग और रूप कभी भी पलट सकते हैं। 12 गेंद 28, पहली बॉल ब्लास्ट ब्लास्ट और प्रिंस के बल्ले से आता हुआ ये राजाओं वाला शॉट, 6 रन। की आवश्यकता, मैंने पहले कहा था जब तक ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहते जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, ऐसा उबाल हो उसमें खून चाहिए, अरे मेरे दोस्त रख हौसला, हुआ मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आएगा, मैच में मजा आएगा। 11-22 लेफ्ट हैंडर के बल्ले से ये आता हुआ आधा दर्जन रन, 6 प्रिंस ऑन अ फायर। डीजे भोसले साउंड में आपकी तारीफ करूंगा, लड़खड़ाए फिर संभलते रहे, गेंद और बल्ले की टाइमिंग और हमारे डीजे भोसले साउंड की टाइम काबिल तारीफ, तारीफ काबिल गीत। अब इक्वेशन बदल गया है दोस्तों, अब जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं, टोटल 16 गेंदे बाकी है, 10 बॉड बॉल चाहिए यहां पर यश स्मृति एरोली कोलीवाला को टीम को, अब यहां से विकेट चाहिए यहां से एरोली कोलीवाला टीम को। बल्ले का बाहरी किनारा लेकिन बॉल ब्रश होकर बल्ले से सीधा बाला के हाथ में पहुंचा है, ये अच्छी वापसी, टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से, मैच अभी बाकी है, संघर्ष लड़ाई, गांव के प्रतिष्ठान की, गांव के कहीं ना कहीं सम्मान की बात है, गौरव मान की बात है, कर्तव्य आपका शानदार होना चाहिए मैदान के अंदर, यही खिलाड़ी सभी खिलाड़ी की ये चेष्टा और प्रयत्न मैदान के अंदर देखने को मिलता हुआ, इक्वेशन बदलता हुआ, 9 गेंदे जीतने के लिए 16 रन। आउटसाइड ऑफ लेंथ फुल लेंथ बॉल बैकफुट पे ढकेल दिया इस बार प्रिंस को, आता हुआ ये डॉट बॉल, क्या ये मैच हुआ है जनाब, क्या ये मैच हुआ है, कमाल की माया है मैच, क्या लाजवाब मुकाबला, क्रिकेट ऐसा खेल है पल में शोला पल में शबनम, ऐसा बदलता ये खेल क्रिकेट है, 2 बॉल पर 2 सिक्स आया तो देखिए 2 बॉल पे 2 डॉट भी यहाँ पर ऑलमोस्ट आ चुका है, 8 गेंदे 16 का इक्वेशन, व्हाट अ मैच, ओ हो वाह मनोज वाह, जीत का जिसके ऊपर था बोझ कमाल करता हुआ मनोज, लाजवाब यहाँ पर प्रदर्शन मैदान के अंदर, झुक रहे खड़े हो रहे लड़ रहे लेकिन अभी भी मैच बाकी है, 1-6 कहानी पलट सकती है, लास्ट ओवर में अक्षय मुसले बैटिंग कर सकते हैं, प्रिंस बातचीत यही करे कि इस बॉल पर मैं तो आर या पार करूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, 7 गेंदे 16 रन, लेकिन एक अच्छी बॉल अगर और मनोज चव्हाण डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में वर्चस्व रहेगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं दावेदारी कहीं ना कहीं पेश करेगी यश स्मृति एरोली कोलीवाला टीम, क्योंकि उनके पास रन बचेंगे 16, अगर इस बॉल पर डॉट या एक आ जाता है तो इक्वेशन बदलता चला जाएगा, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन आखिरी बॉल पर होगा क्या, सभी की निगाहें इस बॉल पर, 7 गेंदे 16 रन, रनअप तैयार नहीं थे वहां पर पूरी तरह मनोज चव्हाण, वापिस लौटते हुए वही इरादे के साथ कैसे भी करके ये अच्छी बॉल डालनी है, 2 गेंदे खराब थी उसके बाद 3 अच्छी यहाँ पर गेंदे डाली मैंने, और उसके बाद इस मैच में देखना क्या होगा, पुल करने का प्रयास, लाउड अपील, हाइट है भाई हाइट है, अच्छी खासी यहाँ पर हाइट नजर आई, अंपायर ने यहाँ पर निर्णय दिया लेग बाई का, 15 चाहिए अब सेम है, सम्मानीय मनीष बबन मडवी साहब इनकी तरफ से आखिरी ओवर में बॉलर जितना विकेट लेंगे 500 रुपए का इनाम पर विकेट। अब 6 गेंदे जीतने के लिए 15 की आवश्यकता है, क्या ये मैच रहा है, क्या लाजवाब मुकाबला, 6 गेंदे 15 रन, 6 गेंदे 15 की आवश्यकता, आप देख रहे हैं रिद्धि सिद्धि चषक 2024 गांव देवी कोपरी गांव का ये मैदान, और निश्चित तौर पर 13वां वर्ष दो भाई की ये संकल्पना हर वर्ष टूर्नामेंट लेकर आना है, नवी मुंबई ग्रामीण क्रिकेट में एक अव्वल दर्जे की प्रतियोगिता
मानाची क्रिकेट स्पर्धा, योगेश मनोहर जी भोईर, नितिन मनोहर जी भोईर, ऐसा टूर्नामेंट जिस टूर्नामेंट में नवी मुंबई के अलग अलग गांव से तमाम दोस्त एक साथ बैठते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और आप देख सकते हैं यारी दोस्ती को रिद्धि सिद्धि चषक 2024 में देखने को मिलेगा। नवी मुंबई में जब भी दोस्तों की चर्चा की जाती है तो पहला नाम अवश्य लिया जाता है वह वीरू की जोड़ी यानी यतीन जी भोईर जूगांव के और योगेश मनोहर जी भोईर। तो नवी मुंबई में अभी भी आपको अगर पिच तैयार करना है तो पहला नाम मुख से यानी मुंह से एक ही नाम निकलता है जूगांव के यतीन जी भोईर, पिच क्रिकेटर किंग जो दर्जा दिया गया है और स्टार क्रिकेटर जूगांव के जिन्होंने इस प्रतियोगिता में खेलपट्टी यानी पिच तैयार की है। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता, बॉलिंग भाग पर मिस्टर हितेश कोटकर, हितेश कोटकर के लिए इनामी राशि इस प्रकार है। राजेश चौहान, संकेत पाटिल उनकी तरफ से अगर हैट्रिक पूरा करते हैं तो यहाँ पर 500 का इनाम। सम्मानीय मनीष बबन मडवी हरोली गांव के, उनकी तरफ से भी यहाँ पर हितेश कोटकर यानी लास्ट ओवर डाल रहे हैं, जितनी विकेट लेंगे 500 यानी जितनी विकेट लेते जाएंगे 500 की हरी पत्ती यहाँ पर जमा होते जाएगा। अब इक्वेशन बदलता हुआ, 6 गेंदे 15 रन मैच अभी बाकी है, दोनों टीमें यही कहती हुई संघर्ष लड़ाई जारी है, प्रयत्न जारी है, अभी कोशिश चल रहा है, जीत अभी बाकी है, लेकिन ये अच्छा कहीं ना कहीं टैलेंट और कैसे कांटे की टक्कर। पहली बॉल क्या ये विकेट है, लाउड अपील लेकिन ओहो अंपायर का सिग्नल देखिए, ये नो बॉल हुआ क्या यहां पर, ओवर स्टेप कर बैठे यहां पर हितेश कोटकर, ओवर स्टेप कर बैठे यहां पर, इसलिए कोरोना काल में हम जैसे कहते थे घर के बाहर मत निकलिए खतरनाक खतरा है, वैसे अगर आप लाइन ओवर स्टेप करेंगे लाइन के बाहर अगर आपकी गेंद पिच होती है तो नो बॉल क्रिकेट में ये कहीं ना कहीं कहानी में एक और पलटवार हो सकता है, मैच में एक और ट्विस्ट, अब उठ किस करवट पलटेगा वह देखना होगा। 6 गेंदे जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता, ना थके है ना हिम्मत हारी है, दोनों टीमें कहती हुई ना थके है मेरे दोस्त ना हिम्मत हारी है, जीत और यहाँ पर प्रयास अभी जारी है, जीत और प्रयास अभी जारी है। 6 गेंदे जीतने के लिए यहाँ से रनों की आवश्यकता, 14 रन चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा खुशखबर ये है सीयू टीम के लिए कि अगली बॉल है फ्री हिट, अगली बॉल फ्री हिट होगी। यस अंपायर यहाँ पर बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह आसमान में उंगली घुमाते हुए यानी सिग्नल है ये क्रिकेट में कि ये फ्री हिट बॉल होगी। 6 गेंदे 14 रन हितेश कोटकर, कई मर्तबा ये स्कोर को डिफेंड कराया है यश स्मृति एरोली कोलीवाला टीम के लिए। मनीष बबन मडवी की तरफ से हर एक विकेट के लिए 500, राजेश चौहान संकेत पाटिल की तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 500, लेकिन मैदान के अंदर है अक्षय मुसले सी उठ का ये सितारा, भरोसेमंद खिलाड़ी और नॉन स्ट्राइकर पे प्रिंस। 6-14 फ्री हिट, फुल टॉस बॉल, हवा में गेंद, फ्री हिट बॉल है, फ्री हिट बॉल है, खेलते ही यहाँ पर दौड़े, खेलते ही यहाँ पर दौड़े, एक रन कंप्लीट किया गया है। स्कोर का इक्वेशन बदलता हुआ, हर एक बॉल पर मैच का रंग और रूप पलटता हुआ, 5 गेंदे अब जीतने के लिए यहां से रनों की आवश्यकता। चीकू इम्तियाज, हमारे चीकू ठाकुर जिन्होंने लाजवाब स्कोरिंग किए, फिर 2 दिन से तारीफ इनकी भी करनी होगी। पर्दे के पीछे हमारे हीरो रिद्धि सिद्धि चषक 2024, साथ ही साथ हमारे सभी छोटे बच्चे बॉल बॉय उनकी भी मैं सराहना करूंगा, खासतौर पर नीलेश पाटिल हमारे जो एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन जब भी रिद्धि सिद्धि चषक होता है 2024 चल रहा है, मैं 2017 से देख रहा हूँ, इस व्यक्ति की मैं तारीफ करना चाहूंगा, हर साल अच्छा मेहनत लेते हैं। 5 गेंदे और जीतने के लिए 13 रन, हेलो विकेट गिरा इस बीच और इक्वेशन बदलता हुआ। अब जीतने के लिए 4 गेंदे और 13 रन चाहिए, प्रिंस का विकेट गिरा है,
मैच में एक और उलटफेर, मैच में एक और उलटफेर होता हुआ। चार गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। तीन गेंदे 12 रन, कंपलसरी चेस, कंपलसरी चेस, तीन गेंदे 12, बड़ा शॉट चाहिए यहाँ पर सीयू टीम को। अच्छी बॉल, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अब मैच पूरी तरह एरोली कुलीवाड़ा की तरफ गुजरता हुआ। यश स्मृति एरोली कुलीवाड़ा टीम, कहीं ना कहीं विकेट जल्दी गिर गया। आनंद बालाजी के ऊपर टीम काफी डिपेंडेबल थी और उनका विकेट जैसे ही गिरा मानो जैसे विकेटों की लाइन लग गई। दो गेंदे 11 रन, दो बड़ा हिट और कहीं ना कहीं सपना साकार हो सकता है सीओ क्रिकेट का, चमत्कार हो सकता है और नमस्कार हो सकता है सैंडी सर। फिर दो गेंदे 11 रन, क्या मुश्किल है लेकिन क्रिकेट में मुमकिन भी कहते हैं, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन क्रिकेट। ये क्रिकेट ऐसा खेल है ना, कभी भी मैच का रंग और रूप लट सकता है। आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि दो बॉल 11 चाहिए, एरोली कुलीवाड़ा मैच जीत चुकी है। हितेश कोटकर सामने बल्लेबाज, अक्षय मुसले कई बार ये कारनामा कर चुके, आज एक बार फिर करना होगा, क्या कर पाएंगे। फॉरवर्ड शॉट लेग बंटी के रूप में, हो शॉट अच्छा था लेकिन एक ही रन मिलेगा। आवाज बढ़ाने बोलो ना, गया तो आवाज बढ़ाओ बताओ। अरे नाइक ले जीत की ओर पूरी तरह अग्रसर होती हुई टीम यश मूर्ति एरोली कुलीवाड़ा। रितेश पाटिल हमारे बोनकुड़ी गांव के, उनसे विनंती, प्लीज मंच पर आइए और अभिनंदन, वेल डन यश स्मृति एरोली कुलीवाड़ा। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया जाएगा हमारे लाडले डैशिंग पर्सनैलिटी स्माइली फेस आरसीजी पाटिल साहब। अभिनंदन समीर सुतार, अभिनंदन बाला दादा एंड संपूर्ण टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन यश स्मृति, हार्ड लक टीम सीओ। बैटिंग शुरुआत में स्लो हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं रन विनोद